bachalok. हो गया फ्लैग सेरेमनी होगा, होस्टिंग होगा, हमारा बच्चा लोग बहुत मेहनती है। गांधी जी का नाम रहेगा, गांधी जी का नाम। गांधी जी का नाम रहेगा, गांधी जी का नाम रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आज से हम लोग का रिपब्लिक डे का जो दिन है वो हम लोग का स्टूडेंट लोग प्रशासन कर रहा है, और साथ ही छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ इसके लिए, और बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब देखो क्वेश्चन आ गया। वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट सभी आ गया, रोड शो करके प्रोसेशन करके। बहुत इम्पोर्टेंस और हमारे लिए बहुत एक बड़ा गिफ्ट है। इसी दिन शायद आप लोगों को पता होगा हमारा देश कब आज़ाद हुआ। ये आज़ाद हुआ आपको 15 अगस्त 1947 को। तो इंडिपेंडेंस हमें मिला था 1947 को, बट जो एग्जैक्ट जो हमें फ्रीडम जो कहता है ना, आपको पूरा आपको राइट्स, हमको राइट्स तब मिला है ये 26 जनवरी 1950 को, जो आज हम लोग मना रहे 26 जनवरी। हाँ, तो ये भी कुछ ऐसा है। तो आप लोग अभी तो आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोग को मालूम होगा, ये मालूम होना भी चाहिए आप लोग। तो आप लोग ही स्टूडेंट हैं, आप लोग इसी चीज़ के बारे में डेली आप पढ़ते रहते हैं। टीचर्स फ्रेटर्निटी, टीचर स्टाफ लोग डेली इस चीज़ के बारे में आप लोग को शायद इसके लिए सब्जेक्ट्स भी है हमारे लिए, स्पेशल हिस्ट्री सब्जेक्ट है। उसमें सब जितना भी इवेंट्स, जितना भी जो हुआ है हमारे देश का अंदर में, सारा एक्टिविटीज़
किस किसने क्या रूल किया सारा चीज बुक्स में है। तो सभी आप लोगों को मालूम है कि पहले कौन रूल्स करता था हमारा इंडिया को, भारत को पहले कौन राज करता था। तो मुझे तो लगता है आप सबको मालूम होगा इस चीज के बारे में। तो उसमें भी बहुत सारा कुछ है। तो जहाँ अगर हमसे अगर ये है कि एग्जैक्ट हम भी पढ़ा है हिस्ट्री, मैं भी अभी स्कूल छोड़ दिया, अभी कितना साल हो गया अभी मैं अभी ऐसे तो जी भी हूँ, लेकिन मैंने स्कूल छोड़ा वाला अपना जो स्टडिंग लाइफ को मैंने छोड़ा वाला काफ़ी साल हो गया, एटलीस्ट 20+ हो गया होगा। मैंने ये शायद आपका ये क्या बोलता है IGG कॉलेज को कम्प्लीट किया। तो उसमें क्या है कि इसमें भी जो 26 नवंबर 1949 को ये जो है हमारा जो रिपब्लिक जो फुल पावर जो है ना असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको ये किया गया था, लेकिन इसको जब पूरा फुलफिल में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हम लोग जाके पूरा फ्रीडम मिला है अपना जो 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 भी रूल्स जो भी लॉ जो भी होता है ना जो नियम कानून जो तब जाके ये बना है 1950 में 26 जनवरी। तो इसका वजह से आज तक पहले उससे पहले था कि हम लोग कुछ कुछ चीज़ जो है ब्रिटिशर्स का अंदर में था, मालूम है आप लोग को कितना साल तक हमारा देश को जो ब्रिटिशर्स लोग ने डोमिनेट करके रखा, एक रूल करके रखा। तो उससे हम लोग को मुफ्त मिल गया, आज़ादी मिल गया। तो अपना जो है अपना देश का जो एग्जैक्ट जो लॉ है एग्जैक्ट जो कानून है किस तरह से हमारा देश को रूल करना चाहिए, किस तरह से हमारा जो देश को एक सिस्टम में लाना चाहिए, वो आज का दिन में हमें मिला है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है और हम लोग इस तरह इसको मानते रहना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम लोग ही नहीं, सारा जितना भी हमारा जो भारत है ना देश, नॉर्थ से लेके आपका साउथ, साउथ से लेके ईस्ट वेस्ट जितना भी है, आज का दिन हम लोग ये चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बनना क्यों ज़रूरी है आप लोग को इस चीज़ को भी थोड़ा सा मालूम होना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जो है ना दूसरा का अंदर में आपको रहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ दूसरा का डोमिनेंट में, दूसरा का प्रेशर में और दूसरा का दबाव में रहने में इतना जो हम लोग को एक सेटिस्फाई जो हम लोग को एक क्या है ना ये खुशी जो हैप्पी फ्रीडम वो नहीं मिलता है। लेकिन जब अपना होगा तब उसमें अलग है, ठीक है ना। उसमें जो भी होगा हमारा लिए सोच समझ के ही बनाया होगा। आज का दिन में अगर ये कानून नहीं होता ये, ठीक है ना, जो रिपब्लिक डे का जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में जितना भी जो लेजिस्लेचर जो कहता है ना उसका अंदर में अगर लॉ एंड ऑर्डर जो हर एक चीज़ का, ये नहीं कि हम लोग के लिए सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए, जब सिर्फ इंडियन के लिए है ये कानून जो है सारा आपका पशु एनिमल्स से लेके कोई भी ऐसा जो है ना जगह को लेके आपका सब कुछ के लिए कानून बनाया गया है। आप सोचता होगा सिर्फ ये आदमी के लिए ही कानून बना, ऐसा नहीं है। जितना भी हमारा देश में जो भी है नदी पर हर चीज़ का एक एनवायरनमेंट का एनिमल्स का हर एक चीज़ का एक लॉ होता है, वो लॉ का अंदर में वो रूल्स एंड रेगुलेशन का अंदर में उसका अंदर में हम लोग को चलना पड़ता है। जैसे कि अभी गाड़ी घुना भी है ना, वो गाड़ी घुना का भी एक लॉ है आपका किस आधार पर ये होगा, किस आधार पर ये होगा, कैसा चलाना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो उसी तरह जो राइट्स जो है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मेरे ख्याल से, इतना ज़्यादा बोलना भी सही नहीं होगा आपका, तो बहुत सारा है बोलने के लिए तो, लेकिन हर चीज़ का राइट्स जो है ना, इसलिए हम लोग ने अगर ये लॉ नहीं होता, ये जो है ना सिस्टम नहीं होता, तो हम लोग इस तरह से मतलब जो है ना ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करके जो अभी रह रहे हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग नहीं रह सकते। हर किसी को उसे का भी ले जाओ, दो दे दे सर, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना आप लोग ही है देश का फ्यूचर, उसे को दे दो। फ्रॉम क्लास 9 मांचल खमले एंड कृषि क्री अच्छा हाईएस्ट अटेंडेंस और डिसिप्लिन का सर ये करते रहो कंटिन्यू क्लास कैप्चर नहीं करके। थैंक यू।
from class 8 thapolang tindia kam ya aja or kuchang Thank you, Lana. Class 7, Ranusi Kambla and Bitilut Talu. So, two DJs, sir. One option. Now, so the youngest class is class 6. Monty Mepo and Romance on Gum. Come here. Gamra. Yeh hamlo ka gamra hai sir. School ka gamra hai.